जिला कटनी तहसील डिमरखेड़ा की ग्राम पंचायत अमाझल में आदिवासियों द्वारा सैकड़ों एकड़ के जंगल को काट कर कब्जा किया है, जिसे वन विभाग द्वारा सख्ती करते हुए कब्जे को हटाया गया था। इस बात पर आदिवासी समुदाय आक्रोश में था, जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिया गया। इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से एवं अतिक्रमणकारियों को समझाने के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी विंकी सिंह मारे द्वारा ग्राम पंचायत आमझाला में जनसभा रखी गई, जिसमें SDOP अखिलेश गौर, वन विभाग रेंज अजय मिश्रा, तहसीलदार आशीष अग्रवाल, थाना प्रभारी टिमरखेड़ा मोहम्मद शहीद खान आदि कई लोग उपस्थित थे, जिसमें अन्य समस्याओं को भी संज्ञान में लिया एवं अतिक्रमण न करने के लिए समझाया गया कि वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसे नष्ट न करें। आदिवासी जिसे ओनर ऑफ इंडिया एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के हम सदस्य है, केंद्र सरकार हमारा नौकर है। बता दें, आज भी 1 रुपए का नोट ये साबित करता है कि ये भारत सरकार का छपा हुआ है, जिसे केंद्र सरकार नहीं काट। हमारी जमीनों पे यह किस देश में जो हमारे बसंत हमारे रियासत विजय किए गए थे। नवी जो जनसभा बैठी हुई थी, किस बारे में बैठी हुई थी? यहाँ पे चूंकि अभी शासन के निर्देशन में हम लोग को ग्राम सभाएं करना ही है, और इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी जिनका निराकरण करना था, और मेन अतिक्रमण को लेके यहाँ से शिकायतें आ रही थी। कुछ बाहरी लोग आके जो है यहाँ कुछ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं अतिक्रमण के लिए, और ग्रामवासी उनके बहकावे में आके कुछ अतिक्रमण कर रहे थे, इसीलिए कि उनको नियमों की जानकारी हो जाए, साथ ही उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी हो जाए, और कुछ वनाधिकार के दावे, सामुदायिक दावे, इसलिए ये ग्राम सभा आज रखी गई थी कि दोनों ही पक्षों को सुन के और समस्या का निराकरण किया जाए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो क्या शासन मतलब कार्रवाई करेगी? पहले हमने सीधे कार्रवाई की बजाय लोगों से बात करना ज्यादा उचित समझा है कि हम एक बार उनको बता दें कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और ये चीज सभी को समझाई भी गई है, और जो भी व्यक्ति फिर नियम के विपरीत जाएगा तो कानूनी कार्रवाई तो उसके खिलाफ की जाएगी। ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन अभी ऐसे नाम सामने नहीं आ पाए हैं। अगर नाम सामने आएंगे कि कौन सा व्यक्ति है, तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लोग ऐसा एकड़ तो नहीं बता, छोटे छोटे पेचेस में ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जहाँ भी जमीन इनको खाली मिलती है। अभी भी यहाँ खुदरा और भरतपुर के बीच में एक पैच लगभग 250 एकड़ का है, उसमें ये लोगों ने शुरू किया था अतिक्रमण करना, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के संबंध में भी ये जांच कर रही है।